भारत जिसके स्वराज का स्वप्न और उसे सत्य करने का संघर्ष सन 1500 में पुर्तगालियों के भारत आने से शुरू हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ यह संग्राम अपनी उत्कर्ष पर पहुंचा। स्वराज के संघर्ष को एक नई दिशा, एक नया आधार, एक नया आरंभ मिला 1857 की क्रांति से। इस आंदोलन से ही मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर जैसे राष्ट्रभक्तों से हमारा परिचय हुआ। एक तरफ जहां स्वराज का संदेश देश भर में फैलने लगा, वहीं अंग्रेजों का अहंकार भी बढ़ने लगा। तभी तो सन 1857 में प्लेग महामारी से जूझ रही जनता पर भी वे अन्याय करने से नहीं रुके और इसी अन्याय के विरोध में पुणे के चाफेकर बंधुओं ने रैंडो आयस्ट नाम के दो अंग्रेजी अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी। ये चाफेकर बंधु थे दामोदर हरी चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वासुदेव चाफेकर, जो बाल गंगाधर तिलक को अपना आदर्श मानते थे। अंग्रेजी सरकार ने चाफेकर बंधुओं को फांसी दे दी। महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए कई संग्राम हुए। सन 1902 में दो महत्वपूर्ण संगठन बने। ये दोनों संगठन बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई वो सशस्त्र संस्थाएं थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त रूप से काम करती थी। अरविंद घोष के भाई वरिंद्र घोष ने अनुशीलन समिति का गठन किया था और बाघा जतिन ने युगांतर संगठन का। हमारे देश के वीरों ने अथक प्रयास किए और अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करने पर विवश कर दिया। सन 1907 में देश के एक और महान क्रांतिकारी चेम्पक रामन पिल्लई ने देश को जय हिंद का देशभक्तिपूर्ण नारा दिया। अब विदेशों में भी क्रांति की चिंगारी प्रतिशोध की आग बनकर जल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप लंदन में श्री श्याम कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। वीर सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी वही लिखा था। मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली को मारा और खुदीराम बोस ने स्टैनफोर्ड पर हमला किया।